उत्तराखंड में यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए अब सीधे घर चालान भेजा जाएगा, ये खबर है। ये व्यवस्था बनी है, पुलिस ने ये व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज यातायात सुरक्षा को देखते हुए ई चालान व्यवस्था की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यातायात को लेकर पुलिस लाइन में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नए इंटरसेप्टर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 और वाहन यातायात पुलिस को खरीदने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस को दबाव में काम न करने की सलाह देते हुए अभिभावकों से भी बच्चों को वाहन न देने की अपील की। अक्सर ये देखा जाता है कि नाबालिग बच्चों को वाहन दे दिया जाता है उनके माता पिता द्वारा, जिनका लाइसेंस नहीं होता, जो सड़क नियमों को जानते नहीं हैं। लेकिन अब व्यवस्था इस तरह की है कि सीधे घर भेजा जाएगा चालान। हो रहा है इस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि यातायात भी व्यवस्थित हो और व्यवस्थित यातायात से ही हम तमाम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं।